कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल कुमार, श्रीमती चंदा देवी, श्री सनत, श्रीमती ममता, सुनील, नवीता, निसर्ग, आयुष, इशिका एवं समस्त अजमेरा परिवार। नीति क्लास यहाँ हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार एक बात कहते हैं कि जब भी आप ऊंचाइयों को छुएंगे तब कहीं ना कहीं से उस ऊंचाइयों को छूने वाले के पीछे पत्थर भी आएंगे। तो अगर आप ऊंचाइयां चाहते हैं तो पत्थरों के लिए भी तैयार हो जाएं। अगर आप पत्थरों से डर जाएंगे तो ऊंचाइयां नहीं छू पाएंगे। लोग अक्सर गलतियां देखते हैं, खूबियां नहीं देखते, क्योंकि वो संस्कार बन चुके हैं गलतियां देखने के। तो अगर आप ऊंचाइयों को छू रहे हैं या ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो जो बैकफायर आ रहा है, बैकफायर, उससे डरे ना, तैयार हो जाएं, क्योंकि पत्थर उसी में वृक्ष पर मारे जाते हैं जिस वृक्ष में फल होते हैं। जिसमें फल नहीं होते उस वृक्ष में कभी पत्थर नहीं मारे जाते। मेरा मानना है कि जब लोग आपकी गलतियां देखने लगे तब दुखी ना होकर के खुश हो जाएं। जब लोग आपकी गलतियां देखने लगे तब दुखी ना होकर खुश हो जाएं। क्यों खुश हो जाएं? जब कोई आपकी गलती गिनाता है ना, बड़ा दुख होता है, बड़ा व्यक्ति डिमोरलाइज हो जाता है, वन स्टेप बैक चला जाता है कि यार मेरी गलती बताई जा रही है। नहीं, आप दुखी ना हो, आपकी गलती बताई जा रही है इसका मतलब है कि आप में दम है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं जो आपको ढाका जा रहा है। कभी आपको मौका मिले तो कुछ बॉर्डर के सीन्स देखना या कोई बॉर्डर वाली फिल्म देखना, जब एक तरफ से दूसरी तरफ ये बॉर्डर की टुकड़ियां जाती हैं तो हवाई फायर किया जाता है ताकि उनके पैरों की आवाज ना आए। अगर कोई आपकी गलतियां बता रहा है, गलतियां गिना रहा है, इसका मतलब है कि वो अपनी गलतियां ढांक रहा है या फिर आपको ऊंचा उठने नहीं देना चाहता। ये चीज पहले भी चलती आई थी, आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी, और हर क्षेत्र में चलती है, चाहे व्यापार हो, धर्म हो, संघ हो, परिवार हो, हर जगह चलती है चीज और चलती रहेगी। आज की नीति कह रही है कि जब लोग आपकी गलतियां देखें तब आप दुखी ना होकर खुद का विकास करें। जब कोई आपकी गलती देखता है तो दुखी ना होकर के खुद का विकास करें और खुद के अवगुणों पर विचार करें कि मेरे अंदर कितनी कितनी कमियां हैं। जो मेरे अवगुण है उसे लोग आकर्षित हो रहे हैं क्या, और उस अवगुण को के कारण कहीं मेरी इमेज तो नहीं गिर रही। तो जब कोई आपकी गलती देखे तो दुखी ना होकर के दो काम करना चाहिए। पहले खुद का विकास, कि तुम्हारा मारा हुआ पत्थर हमारी बिल्डिंग को टच ही नहीं कर पाएगा। तुम अगर हमारे लिए कुछ कह भी रहे हो तो मैं इतना ऊंचा व्यक्तित्व बन जाऊंगा कि अब तुम्हारे द्वारा कहा हुआ कोई भी चीज मुझे असर नहीं करेगी। अगर कोई आपसे बोल दे कि एक बहुत बड़े बिल्डर ने, इंडिया के बहुत बड़े अरबपति खरबपति व्यापारी ने मेरे 2,000 रुपये रख लिए, वो मेरे पैसे ही दे रहे, तो आप मानोगे नहीं। अरे यार, वो 1,00,000 करोड़ का आसामी तुम्हारे 2,000 रुपये क्यों खाएगा? उस व्यक्ति ने अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बना लिया कि आपका पत्थर वहां तक नहीं पहुंच रहा है। तो दुखी ना होकर के सबसे पहले खुद की ऊंचाइयों का चिंतन करें, और सेकंड चीज, स्वयं के अवगुणों को दूर करें। अगर आपके अंदर की कमियां हैं, जो लूप होल्स हैं उनको दूर करें कि कैसे हम अपनी गलतियों को सुधारें। अगर कोई गलती कह रहा है, गलती है तो सुधारी जाए, और नहीं है तो मुस्कुराया जाए। अगर गलती है तो सुधारी जाए, नहीं है तो मुस्कुरा दिया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि गलती देखने वाले भी जरूरी है जिंदगी में। जो मैं कह रहा हूं हो सकता है कि किसी को बुरा लगे, लेकिन सच है कि गलतियां देखने वाले भी जरूरी है जिंदगी में। कुछ जानवर अगर गलियों में ना घूमे तो शहर गंदे रह जाते हैं। अगर कोई अभी गलती देख रहा है तो दुखी ना हो, खुश हो जाए कि कम से कम लोगों का फोकस तो आपके ऊपर है, और लोगों का फोकस आपके ऊपर इसका मतलब आप बहुत ऊंचा जाने वाले हैं। गलतियां ना होने पर भी लोग आपका अपवाद करें, पीठ पीछे कुछ बात करें, दुखी ना हो, आप अपना काम करें, अपने लक्ष्य पर अक्ष रखें। कहते ना कि हाथी चले बाजार और
बस आप समझ गए, हाथी चले बाजार तो दो चार लोग तो पीछे से आवाज लगाते हैं कि इतना बड़ा आदमी कैसे आ गया। तो आप कभी भी किसी बिजनेस की बात करें, मार्केट की नई फील्ड में घुसोगे तो हाथी की तरह चलोगे तो पीछे से कुछ लोग चार लोग भौंकेंगे, तो उनका विकल्प ना करें। सिर्फ और सिर्फ आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, अपने काम पर फोकस करें, अपनी बुराइयां हटाते जाएं। एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि यू विल बी द टॉप ऑन द वर्ल्ड, आप टॉप पर रहेंगे। बस गलती देखने वाले या गलती कहने वालों की गलतियों के शब्दों को सुनकर के व्यथित ना हो, अपने ट्रैक से उतरे ना। आप जैसे ट्रैक से उतरे सब खत्म, आप जैसे ट्रैक से उतरे सब खत्म। याद करिए वो दिन स्कूल के, जब आपकी कंप्लेंट की गई हो विदाउट एनी रीजन, क्योंकि तुम क्लास के अच्छे स्टूडेंट हो अथवा तुम्हारे ग्रुप सर्कल अच्छा है तो लोग ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। तो जो जलते हैं ईर्ष्या करते हैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। सूरज अभी गर्मी में है, शबाब में है, तो गर्म रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे ही अगर कोई आपके प्रति पीछे पड़ गया है, पड़े रहने दो, अच्छा है कम से कम पीठ के पीछे कोई तो है। और डीप चलते अंदर, जो लोग आपकी गलतियां देख रहे हैं, बुराई देख रहे हैं, 24 घंटे आपको फॉलो इसीलिए कर रहे हैं कि आपकी गलतियां मिल जाएं, तो दुखी ना हो, ये चिंतन करें कि बुराई देखने वाले या बुराई करने वाले मेरी आत्मा के सफाई कर्मचारी हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या। मेरा तो ये सोचना है कि जब कोई आपकी बुराई देखे, आपकी निंदा करे अथवा आपके ऊपर बैकफायर करे, आपकी गलतियां देख करके पेपर में छापे, तो ये सोचना चाहिए कि कुछ लोग मैंने नौकरी पर रखे हैं, बिना पगार के काम करते हैं और काम ईमानदारी से करते हैं। उनका काम पीठ पीछे बोलना है, पीठ पीछे बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते, एक भी दिन की छुट्टी नहीं मारते, और वो अपने काम के प्रति निष्णात हैं, समर्पित हैं। ऐसे लोग भी जरूरी हैं, क्योंकि अगर जिंदगी में बुराई करने वाले ना हो तो जिंदगी का मजा क्या आएगा। आप भी खाना खाते हो, थोड़े बहुत तो चटपटा होना चाहिए, ग्रेवी होना चाहिए, थोड़ा मिर्ची होना चाहिए, दही बड़ा है तो चटनी तो होनी चाहिए। तो अगर लाइफ में ये सब रेड़बुन चल रही है, लोग आपके परिवार के लोग हैं, मित्र हैं, कोई आपके बारे में कह रहा, दुखी ना हो, अपन अपना काम करें, फोकस ऑन योर वर्क। आप अगर बिजनेसमैन हैं, आप किसी नई फील्ड में जाएंगे तो मार्केट के सभी लोग आपके पीछे आएंगे, कोई आईटी वाले को भेजेगा, कोई सेलटेक्स वाले को भेजेगा, कोई बिजली वाले को भेजेगा, दुखी ना हो। जब आप पर फोकस किया जा रहा है इसका मतलब बड़े आदमी बन चुके, अब बड़े आदमी बन चुके। आप देखना कि जब कभी घर बनता है तो लोहे के ढांचे से घर बनाया जाता है, और कहीं किसी ने एक गाड़ी लोहा मंगाया तो तौल के नहीं लेता, 2-5, 10-20 किलो चलता है। और अगर सोना लिया जाए ऐसा, तो आप 10 ग्राम भी सोना लेते हो तो मिलीग्राम भी तौल के लेते हो, क्योंकि कीमत सोने की ज्यादा है। अगर आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं इसका मतलब आप हीरा हैं, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं तो इसका मतलब आप सोना है, आपकी कीमत ज्यादा है, आप कॉर्नर के प्लॉट हैं, वो भी उत्तर पूर्व का कॉर्नर है, और पूरी कॉलोनी के आप ईशान कोण पर हैं, आप तो ये मान के चलना, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपके ऊपर नजर रखें, इसका मतलब कुछ तो दम है, कुछ तो दम है। एक रास्ते में अगर एक सिक्का पड़ा मिल जाए, एक का, तो कोई उठाए नहीं, उसी की जगह एक छोटा सा कण नाक की लवंग पड़ी मिल जाए सोने की, तो उठा लेंगे, क्योंकि लौंग कीमती है, सोने की है। लोग आप पर फोकस करें इसका मतलब आप कीमती हैं, आप बड़े व्यक्ति बन चुके हैं, तो लोग आप पर नजर रखें। बुराई देखने वाले जरूरी हैं, अगर वो नहीं होंगे तो आप भी बिगड़ जाएंगे। तो मेरा तो मानना है कि लाइफ में एक ना एक विलन जरूर होना चाहिए, अगर विलन नहीं होगा तो आप हीरो नहीं बनोगे। राम को श्री राम बनाने वाला अगर कोई है तो उनके लाइफ में आया हुआ उनका विलन रावण है। आपने फिल्म देखी होंगी बहुत सारी, हीरो की कोई कीमत नहीं होती जब तक विलन ना आए, और जैसे ही विलन आ गया हीरो की कीमत बढ़ जाती है, फिर लोग ताली बजाते हैं उसके, हीरो के प्रति लोगों का सौहार्द होता है। अगर कोई आपकी गलतियां देख रहा है, पीठ पीछे निंदा कर रहा है, इसका मतलब अब आपका अट्रैक्शन सबका आपके ऊपर पड़ेगा, तो दुखी ना हो, खुश हो जाएं। और मैं तो ये सोचता हूं कि परमात्मा से बोलें कि जब ऐसे दिन आए तो शत्रु दमदार आए, क्योंकि तो जितना बड़ा शत्रु आएगा उतना बड़ा नाम होगा। कृष्ण को लोग गोपियों का स्वामी ही कहते थे, द्वारिका का नहीं कहते थे, जब तक उनके सामने प्रतिपक्ष नहीं आया। जरासंघ आते ही, जरासंघ से युद्ध होते ही कृष्ण को गोपियों की जगह द्वारिका का स्वामी कहने लगे लोग। तो एक ना एक विलन लाइफ में जरूरी है,
और मेरा मानना है कि जितने विलन आएंगे उतना आप बिल्डअप होंगे। क्रिकेट देखा आप लोगों ने, एकदम स्लो बॉल फेंके जहां आपको चाहिए शॉट मारने के लिए, तो खिलाड़ी बड़ा क्या खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी अच्छा है जो 150 की 200 की स्पीड में शॉट मार के सिक्स मारे, तो वो अच्छा खिलाड़ी है। अगर आपकी लाइफ में अगर विलन्स आ रहे हैं, गलतियां देखने वाले आ रहे हैं, तो सफाई कर्मचारी हैं, जीवन में ज़रूरी है, वरना घर गलियां सब गंदी रह जाएंगी। इसलिए भूलना नहीं, गलती देखने वाली भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर कुछ जानवर गलियों में ना घूमें तो शहर गंदा रह जाता है, इसलिए वो भी आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनके लिए बुरा ना सोचें। ऐसी प्रजातियाँ थी हैं और रहेंगी, और ऐसी प्रजाति अगर नहीं होंगी तो आपका महत्व कैसे बढ़ेगा। ताजमहल आगरा हम लोग गए, ताजमहल देखने नहीं गए, ताजमहल के कॉरिडोर में 4 महीने हम लोग जंगल गए सुबह सुबह दैनिक क्रिया करने, और एक दिन वहाँ किसी कारण से नहीं गए तो थोड़ा सा उससे आधा किलोमीटर आगे गए, पूरा वो जो स्थान था उसकी नींव भरी हुई थी। मैंने किसी से पूछा कि यार तो जंगल का स्थान है, यहाँ पर नींव क्यों भरी हुई है। उसने बताया कि जिसने ताजमहल बनवाया था राजा शाहजहां, वो यहाँ पर एक ताजमहल और बना रहा था, काला ताजमहल, कि एक सफ़ेद और एक काला क्यों बनवा रहा था, क्योंकि अगर सफ़ेद के सामने काला नहीं हो तो सफ़ेद का अट्रैक्शन नहीं आता। ये बात मेरे दिल में घर कर गई, और मैं सोच रहा था उस दिन कि ये सही है कि अगर आप सफ़ेद ताजमहल हैं तो आपकी लाइफ में भी काले ताजमहल होना चाहिए, और वो नहीं होंगे तो आपकी कीमत क्या होगी। चेंज करें, आज से अपना एटीट्यूड चेंज करें, अपनी लाइफ का फोकस चेंज करें। अगर कोई आपके पीछे बुराई कर रहा है तो दुखी ना हो, बी हैप्पी। कहीं ना कहीं अब आप राजा बनने वाले हैं, चुनाव का मौसम होगा जब, तो देखना लोग एक दूसरे की निंदा करेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, तो वो बुराई इसलिए करते हैं कि व्यक्ति का ग्राफ गिर जाए। मेरा उन लोगों से कहना जो बुराई सुनते हैं, इतनी जल्दी हर किसी की बात पर विश्वास मत कर लिया करो। कई बार जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, कई बार गलत बादलों को आप सही मान लेते हो। किसी ने, शाम का मौसम था और गांव का क्षेत्र था, गर्मी थी, नीचे से आवाज आई कि पानी आ गया, नल आ गए। पुराने दिन याद करना गांव के, कि नल आ गए। तो वो जो अज्ञानी थी माँ, उसने पूरा जो पानी भरा था पलटा दिया, हाँ भरो, और जब तक भरना चालू किया एक टंकी भर पाई, पानी चला गया। अब गर्मी का मौसम, 3 दिन में एक बार नल आने थे, अब 2 दिन तक पछताओ, टैंकर बुलवाओ। यही चीज़ करते हैं। अगर कोई आपसे किसी की बुराई करता है तो अगर आप सुनते हैं तो आप उसको बढ़ावा देते हैं, आप उसको बढ़ावा देंगे तो आप भी बुराई का हिस्सा बनेंगे। अगर कोई सही व्यक्ति के बारे में गलत कह रहा है तो उसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते ही नहीं तो क्यों कहें। लेकिन ये भारत है, यहाँ पर एक ट्रेंड सेट है, जब कोई किसी की बुराई करता है तो लोग जल्दी यकीन करते हैं, और जब कोई किसी की प्रशंसा करता है तो लोग उस पर शक करते हैं। आप देखो, शक करते हैं लोग उस पर। मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी, आज फिर से कहता हूँ। दो दोस्त बैठे थे और वो बात कर रहे थे कि यार वो पड़ोसी जी शर्मा जी रहते हैं पड़ोस के, उनका बेटा यार उसकी क्या नौकरी लग गई यार, और 50,000 रुपये लाख रुपये महीने की नौकरी लग गई, और ऐश कर रहा है वो तो अभी बेंगलोर में। अरे दूसरा कहता है, पागल है क्या, बोले 50,000 रुपये लाख रुपये की नौकरी लगती तो रिक्शे से क्यों आता है रेलवे स्टेशन से, कैब करके नहीं आता, कुछ नहीं लगी नौकरी, वो तो गरीब था, गरीब है, गरीब रहेगा, उसके बस की कुछ है ही नहीं। देखो, जब किसी ने किसी की प्रशंसा करी तो आपने शक कर लिया। अब सेकंड फेज, फिर दो लोग और बैठे, उन्हीं दो के साथ बोले, यार मैंने सुना शर्मा जी की लड़की को तो नौकरी से निकाल दिया यार। अरे हाँ, बोले मुझे तो यकीन था, उसमें कोई कैलिबर ही नहीं, दम ही नहीं है, पड़ोस में तो रहता है हमारे, झाड़ू लगाते नहीं, बनते नहीं, कंपनी क्या कर चलाएगा। अब किसी ने उस पर बुराई करी उसकी, तो आपने उस पर यकीन कर लिया। ये मेंटेलिटी ह्यूमंस की बन चुकी है। आप अगर किसी की बुराई करोगे तो लोग उस पर यकीन करेंगे, अगर आप किसी की अच्छाई करोगे, अच्छी बात करोगे, उसका सपोर्ट करोगे तो लोग आप पर शक करेंगे, उस पर शक करेंगे। तो इन सब चीज़ों से हट करके अपन को टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाना है, क्योंकि अपन नीति क्लास सुन रहे हैं। या मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उन सबके लिए कह रहा हूँ जो बैकफायर करते हैं और बैकफायर सहन करते हैं। अगर कोई पीछे से बैकफायर कर रहा है, टू हाउ टू फेस बैकफायर,
ये नीति आज के जीवन में उतारना। अगर कोई बैकफायर करे तो धीरज रखें, गलतियां देखने वाले ज़रूरी हैं, गलतियां देखने वाले ज़रूरी हैं। अगर वो लोग नहीं होंगे तो हमारे जीवन का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। आपको अगर वही ठंडी रोटी, ठंडी मूंग की दाल और ठंडी लौकी दी जाए रोज़ खाने को तो मज़ा ही नहीं आएगा। थोड़ा तड़क भड़क हो, गर्म सब्जी हो, ठंडा पानी हो, तो थोड़ा सा चरपरा लगता है, थोड़ा मज़ा आता है। ये लाइफ भी ऐसी, अगर सिंपल लाइफ जियोगे तो कोई कीमत नहीं है किनारे किसी एक जंगल के पेड़ के लाओगे, और अगर थोड़ा तड़क भड़क जीवन जियोगे तो शहर के बीच के चौराहे का पेड़ के लाओगे। तो गलतियां देखने वाले आए तो ज़रूरी हैं। एक अच्छा विलन आपकी लाइफ को अच्छा हीरो बनाता है, एक अच्छा विलन आपकी लाइफ को अच्छा हीरो बनाता है, लेकिन देखना उस विलन के साथ बहुत सारे सपोर्टिंग रोल्स और भी होते हैं। तो अपनी लाइफ में उन लोगों की भी ज़रूरत रखें कि जो सपोर्टिंग लाइफ आपके साथ रखें। एक विशेष बात कहता हूँ, जो लोग बुराई करते हैं या गलतियाँ देखते हैं, मेरा मानना है कि आप लोगों की बुराइयाँ देखेंगे तो आपके अंदर बुराइयाँ बढ़ेंगी, आप लोगों के अंदर अच्छाइयाँ देखेंगे तो आपकी अच्छाइयाँ बढ़ेंगी। आप कहीं अगर घूमने गए हैं सुबह सुबह, आप गाँव के व्यक्ति की बात करें, वो लोटा लेकर के जंगल करने गए गाँव के बाहर जेंट्स सेक्शन में, या लेडीज गई लेडीज सेक्शन में, वहां से अगर वो उस लोटे में मिट्टी भर के लाती है तो घर में मिट्टी बढ़ेगी, और वहीं पे उस जगह से वो ढूंढ के अगर कोई सोना भर के लाती है तो उसके लोटे में सोना रहेगा। आप लोगों की बुराई देखेंगे तो आपके जीवन में कचरा भरेगा, आप लोगों की अच्छाई देखेंगे तो आपके जीवन में सोने जैसी चीजें बढ़ेंगी, गुलाब की सुगंध बढ़ेगी। जो भी चीजें दिखें उन सब में अच्छाई देखना प्रारंभ, बुराइयों को जीवन से विदा करें, और मेरा मानना है कि एटीट्यूड चेंज करें, दृष्टिकोण चेंज करें। हर बार व्यक्ति गलत नहीं होता, कई बार तुम्हारा नज़रिया भी गलत होता है, और तुम्हारा नज़रिया गलत होने के कारण तुम्हारा जीवन गलत हो जाता है। फिर आपको अपने भाइयों पर, परिवार पर, मित्रों पर सबकी बुराइयाँ देखना चालू होती हैं। चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम टुडे ओनली, आज से ही अपना एटीट्यूड चेंज करें, गलती देखने वालों से बचें और गलती देखने से बचें। आप अच्छी चीज़ें देखेंगे तो अच्छा होगा। इस घर पर अपन बैठे हैं, इस बिल्डिंग पर बैठे हैं, तो आप ये भी सोच सकते हैं कितनी सुंदर बिल्डिंग बनाई है, और ये भी सोच सकते हैं कि पतला सरिया लगाया। ये आपके अंदर है ना दृष्टिकोण, आपको क्या रखना है। अच्छाइयाँ देखेंगे तो अच्छाइयाँ बढ़ेंगी, गलतियाँ देखने वाली भी ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। कुछ जानवर अगर गलियों में ना घूमें तो शहर गंदा रह जाता है। आप किसके पक्ष के हैं, रावण के कि राम के? राम ने कभी रावण की बुराई नहीं करी, राम ने हमेशा कहा कि मुझे मेरी सीता दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रावण ने हमेशा राम की बुराई करी कि वो जंगल में घूमने वाला है, गरीब है, उसको क्या शादी करना, भूमि गोचरी में विद्याधर हूं, मुझसे शादी करो। तो बुराई देखने से बुराई बढ़ती है, और एक दिन रावण की तरह अंत होता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका भी रावण की तरह अंत हो तो अच्छाइयाँ देखें, अपने जीवन को अच्छाइयों से जोड़ें। बुराई देखने वाले आपके आत्मा के सफाई कर्मचारी हैं, तो कर्मचारी के बिना तो सब गंदा रह जाता है, तो वो ज़रूरी हैं। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस जिसको अच्छा हीरो बनना हो, हे भगवान, उनके जीवन में ज़रूर एक अच्छा विलन दे। विलन आएगा तो आप बिल्डअप करोगे, आप चाहोगे फिर वो विलन आएगा तो आप अपने आप को अपग्रेड करोगे, और एट द एंड जब भी लड़ाई पिटाई होगी तो जो आपको सौहार्द मिलेगा, जो लोगों का आपको सपोर्ट मिलेगा, वो विलन को ही मिलेगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। गर्मी का सूरज और गर्मी का चंद्रमा, इसमें से लोग गर्मी में चंद्रमा को चाहते हैं, सूरज को नहीं, और ठंडियों में लोग सूरज को चाहते हैं, चंद्रमा को नहीं। दुनिया है, मौसम के हिसाब से बदलती है, तो डरे नहीं, अपनी ज़िंदगी खुश होकर जिए। हकुना मटाटा, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।